आज की इस कक्षा में हम रेखा एवं कोण पाठ के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोणों का युग्म क्या होता है, यह पहले हमें जानना होगा। कोणों का वैसा युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो हमें इनका पूरक कोण ज्ञात करना है। पहला है 45 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे? इसका सीधा सा तरीका है, हम 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटा देंगे, तो यह आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का पूरक कोण हो गया 45 डिग्री। अब है 25 डिग्री, तो ठीक उसी तरह से 90 से हम 25 घटा देते हैं, है ना? 90 से 25 सॉरी 25 घटाएंगे तो देखिए 10 से 5 5 हो गया, और ये 8 से 2 6 65 डिग्री। तो 25 डिग्री का पूरक हो गया 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री का क्या होगा, फिर 90 से घटाइए, ये हो जाएगा 25 डिग्री। 32 डिग्री का क्या होगा, इसे आप 90 से घटाकर देखें, इसी तरह से इसमें सभी को 90 से घटाकर देखें, वही उसका पूरक कोण होगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। ये संपूरक कोणों का युग्म क्या होता है, पहले इसे समझना होगा। जिन कोणों का युग्म का योग जिन कोणों के युग्म का योग 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो यहां प्रश्न है 105 डिग्री का संपूरक ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पूरक निकाला था, ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री से 105 डिग्री घटा देंगे। तो ये 10 से 5 हो गया 5, और ये हमारा 7, ये 7 आ गया, 1 से 1 शून्य हो जाएगा 75 डिग्री। तो 105 डिग्री का हमारा संपूरक कोण हो गया 75 डिग्री। हमने क्या किया, 180 से 105 घटा दिया। ठीक इसी तरह से ये 85 डिग्री का संपूरक ज्ञात करना है, तो पुनः हम 180 से 85 डिग्री घटा देते हैं, तो ये शून्य है, इधर से एक लिए 10, 10 से 5 हो गया 5, और ये बच गया 7, तो 7 से 8 नहीं जाएगा, इधर से एक लिए 17 से 8 गया 9, 95 डिग्री। तो 85 डिग्री का आ गया 95 डिग्री। ठीक इसी तरह से आप अन्य प्रश्नों को भी 180 से घटाकर आप उनके संपूरक कोण निकाल सकते हैं, इसे आप स्वयं से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक कोणों संपूरक युग्मों को पृथक कीजिए। तो अभी हमने देखा था पूरक कोण किसे कहते हैं और संपूरक कोण ये जो युग्म है इसे किसे कहते हैं। तो पूरक युग्म वे युग्म है जिनका योग 90 डिग्री होता है, और संपूरक युग्म वे हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये 25 डिग्री और 65 डिग्री इसे जोड़ के देखिए 90 डिग्री होता है, तो ये हमारा युग्म कौन सा हो गया, पूरक हो गया, पूरक युग्म हो गया। अब ये 101 डिग्री और 79 डिग्री ये हो गया संपूरक, 114 और 66 ये भी संपूरक हो गया। अब 51 और 39 इसे भी जोड़ के देखिए 9 1 10 का शून्य, हाथ में रहा हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 90 यानी 90 डिग्री, तो ये भी हो गया पूरक, पूरक युग। अब प्रश्न संख्या 4,
ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक युग्म फिर से हम बता रहे हैं, याद कीजिए, जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो ऐसा जो अपने पूरक के समान हो, बराबर बराबर हो, तो इसे हम क्या करेंगे, 90 को हम 2 से भाग दे देंगे, 90 डिग्री को, तो 45 डिग्री हो गया। तो ये जो होगा 45 और 45, ये बराबर हो गया है। तो ऐसा कोण कौन सा होगा, 45 डिग्री। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। ठीक, प्रश्न संख्या 4 की तरह है। तो संपूरक कोण कौन कौन से होते हैं, संपूरक युग्म कौन से होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो वो अपने समान कौन सा हो सकता है, 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 6, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण है। तो संपूरक कोणों का युग्म किसे कहते हैं, जिन कोणों का योग 180 डिग्री हो। अगर दोनों कोण न्यून कोण होंगे अर्थात 90 से कम होंगे दोनों, तो क्या होगा, चलिए इसे चेक करके देखते हैं। तो अगर 90 से कम, चलिए एक को हमने लिया 80 और एक को 85, तो ये क्या हो जाता है, 5, 8, 8, 16, ये तो देख रहे हैं कि ये 180 से कम हो जा रहे हैं। तो ये जो है, क्या दोनों न्यून कोण हो सकते हैं, नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अधिक कोण है, दोनों अधिक कोण है, अधिक कोण अर्थात 90 से ज्यादा। तो चलिए एक को हम लेते हैं 100 डिग्री और दूसरे को लेते हैं 110 डिग्री, दोनों अधिक कोण हो गए, तो ये हो गया 210 डिग्री। लेकिन हमें तो 180 डिग्री होना था दोनों कोणों का योग, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसके बाद है कि दोनों समकोण है, दोनों समकोण यानी 90 जोड़ 90 डिग्री, तो ये 180 डिग्री, हाँ ये हो सकता है। अब प्रश्न संख्या 7, 90 डिग्री कोण के ऋजु पूरक या संपूरक कोण के माप लिखिए। तो 90 में हम और कितना जोड़े कि 180 डिग्री हो जाएगा, 90 जोड़ना होगा, तो यही होगा इसका संपूरक कोण। 8वां नंबर, यदि किसी कोण की माप 45 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से कम हो, तो क्या उसका पूरक कोण 45 डिग्री से अधिक हो सकता है। तो पूरक कोण तो उसे कहेंगे, वैसे कोणों को कहेंगे जिनका योग 90 डिग्री हो। तो जब एक कोण हमारा 45 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 45 डिग्री से अधिक और 90 से कम हो जाएगा, मान लीजिए ये 50 डिग्री हो गया, तो दूसरा क्या होगा, 45 से अधिक हो सकता है, नहीं, तो ये हो जाएगा नहीं। 45 के बराबर 45 भी नहीं हो सकता है, अगर वो 45 से ज्यादा है, 50 है, तो यहां अगर 45 लेते हैं तो 95 हो जाएगा, तो ये भी नहीं। 45 डिग्री से कम, हाँ देखिए 50 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आ रहा है, तो ये हाँ होगा। प्रश्न संख्या 9, संलग्न आकृति में बताना है। पहला नंबर, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। तो आइए देखते हैं कौन है कोण 1, ये है कोण 1 और ये है कोण 2। तो आसन्न कोण की परिभाषा के अनुसार यह आसन्न कोण है। कैसे, इसका जो उभयनिष्ठ भुजा है, देखिए AO
उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए, वह है एओ, और बाकी दो भुजा उसके बाएं और दाहिने होना चाहिए, तो वो है देखिए इसका ओई इसके दाहिनी ओर है और ये बाई ओर है। तो परिभाषा के अनुसार ये आसन कोण है। अब प्रश्न संख्या दो, क्या एओसी एओसी ये एओसी एंगल एओई का आसन है? तो एओई ये है। तो परिभाषा के अनुसार इसका जो उभयनिष्ठ भुजा है वो बाकी दो भुजा के बीच में ना होके ये देखिए ओ ए अलग है, तो ये नहीं। अब तीसरा नंबर है, क्या सी ओ ई एंगल सी ओ ई कौन सा है? सी ओ ई ये वाला एवं ई ओ डी ई ओ डी ये रैखिक युग्म बनाते हैं? नहीं, रैखिक युग्म एक रेखा पर होते हैं और 180 डिग्री उनका योग होता है, तो ये नहीं। अब है, क्या एंगल ए का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एंगल 4 है? देखिए ये एक है एंगल और ये 4, ये बिल्कुल परिभाषा के अनुसार है। हाँ, अब है पांचवा, एंगल 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? तो ये अभी हम देखे थे एंगल 5 ये है बी ओ सी ये वाला एंगल है, तो इसका ऊर्ध्वाधर कोण कौन सा है? ये है एंगल ए ओ डी। प्रश्न संख्या 10, दी गई आकृति में कोणों के कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है? आइए देखते हैं। एक तो ये दिख रहा है बी ओ सी ये, और इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो गया ए ओ ई ये। आइए लिखते हैं एंगल बी ओ सी और एंगल एंगल ए ओ ई। चलिए और कोई है क्या? हाँ देखिए, पहले से हम मिटा देते हैं, तो इसके अलावे और कौन सा दिख रहा है? एक यहां दिख रहा है ए ओ बी, और इसके सामने का कौन सा है सम्मुख कोण? ये है सी ओ ई। चलिए यहीं पर लिख रहे हैं एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ ई सी ओ ई। चलिए ओ ठीक से लिखिए, ये हो गया। अब दूसरा है रैखिक युग्म, तो इसे यहां पर लिख रहे हैं 10 का 2 रैखिक युग्म यानी एक रेखा पर स्थित, तो ये एक है ए ओ बी और ये ए ओ बी और ए ओ ई ये है एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ ई। प्रश्न 11, दी गई आकृति में प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए। ये प्रश्न संख्या 11 का एक रेखीय युग्म, इसमें कौन कौन से रेखीय युग्म है? यहां देखिए कोण एक और कोण दो, कोण एक और कोण दो, कोण दो और कोण तीन, कोण दो और कोण तीन,
इसका कोण तीन और कोण चार, कोण तीन और कोण चार, और कोण एक और कोण चार, कोण एक और कोण चार। ठीक इसी तरह से यहां पर भी होगा, कोण सात और कोण आठ, कोण आठ और कोण पांच, आठ और पांच, और इसके बाद कोण पांच और कोण छः, और कोण छः और कोण सात, कोण छः और कोण सात। प्रश्न संख्या 11 का दो, 11 का दो, इसमें क्या है, शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। तो ये शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े, कौन कौन सा जोड़ा है, पहला देख रहे हैं कोण एक और कोण तीन, कोण एक और कोण तीन, कोण एक और तीन, यहां कोण दो और कोण चार, कोण दो और कोण चार। ठीक इसी तरह से यहां देखें कोण सात और कोण पांच, या कोण पांच और कोण सात, कोण पांच और कोण सात, और ये कोण छः और कोण आठ, कोण छः और कोण